आप देख रहे हैं संधू ब्लॉग्स। तो आज आपके लेके आए एक न्यू वीडियो जो है बुलेट 350X के ऊपर, जो नया अपडेट वर्जन आया है स्टैंडर्ड मॉडल, हमने लेके आए हैं आपको दिखाने उसके न्यू फीचर्स, नए उसका हर चीज़ दिखाने आपको, उसमें क्या फीचर्स आए हैं, क्या उसमें चेंजिंग हुई है, क्या नहीं हुई है, और क्या उसमें अपडेट किया गया है, और क्या उसमें चीज़ चेंज गई है। चलो करते हैं वीडियो शुरू और मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा है बुलेट वो ऑल ब्लैक कलर में है, और इसमें सबसे जो नया फीचर जो चला है वो है इसमें जो है सिंगल डिस्क जो है ABC आ चुका है। मैं उनके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जो इसमें है वो ABS का आपको देखो साइंस लोगो शो कर रहा होगा, इसमें ABS आ चुका है। और इसमें जो पेट्रोल का साइन है वो यहाँ से, ये देखो यहाँ पर पेट्रोल बताता है हमें, इसमें पेट्रोल का थोड़ा काफ़ी चेंजिंग किया गया है और नई चीज़ लेके आए हैं, तो इसमें ये काफ़ी किया है। बाकी जो दूसरा मीटर है वो तो पुराना जो बुलेट में आता था वही आता है इसमें। इसकी जो टॉप स्पीड है वो जो 135 तक जाती है, और इसमें ज़्यादा फीचर्स ऐड किए नहीं गए हैं। देखते हैं ये वो है, ये बिना सेल्फ से आपको मिलेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है। अगर आप टॉप लेते तो उसमें आपको सेल्फ स्टार्ट दिया जाएगा। और उसके जो टायरों की जो बात की जाए वो आपको अलॉय नहीं मिलते स्टैंडर्ड मॉडल में, ये अलॉय वाला नहीं है, इसमें सिंगल डिस्क मिलती है। देखो ABS इसमें लिखा आ रहा होगा, तो ये ABS है, तो काफ़ी अच्छी इसकी जो बेहतरीन लुक देता है जो मतलब जो लोहे वाला होता है, लेकिन ये भी ठीक ही देता है वैसे, इसमें भी कोई आपको देते नहीं। इसकी इंजन की बात की जाए तो इसमें देख सकते हैं आप लिखा हुआ है बोल्ट है जो 350 है, ये एक्स है। जो इसकी जो टंकी है वो 13.5 लीटर की आपको दी जाती है, और देखते हैं इसकी लुक। पीछे हमें डिस्क नहीं दी जाती, पीछे जो नॉर्मल ब्रेक आती है जो वही दी जाती है। जो इसका डिज़ाइन है वो मतलब काफ़ी हद तक सेम ही है, जो ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं आई गई। देखते हैं इसमें फिर भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन लगता है जो है। जो इसकी फ्रंट लुक देख लेते हैं हम, अब फ्रंट लुक से भी काफ़ी अच्छा जो है लगता है, बेहतरीन लगता है इसकी। अब आपको साउंड सुनाता हूँ, इसकी साउंड में कोई चेंजिंग आई है या नहीं आई है, इसकी साउंड हम चेक करेंगे स्टार्ट करके। इसमें हमें सेल्फ स्टार्ट नहीं है तो हमें किक मारनी पड़ेगी, किक मार लेते हैं हम। इसकी हम साउंड देख सकते हैं, जो हमारे जो पहले बुलेट में आती थी वही साउंड है इसमें दी जाती है, हमें देख सकते हैं साउंड। काफ़ी इंजन वैसे बात नहीं करता है, इंजन में काफ़ी साइलेंट है वैसे, देखते हैं बुलेट की खासियत है इसमें आपको सर काफ़ी साउंड दिया जाती है, इसमें साउंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखते हैं आप जिसमें देखो मैं पेट्रोल का साइन भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बंद करने का दिया जाता है ऑप्शन। तो ये थी इसकी साउंड, आपने सुन ली होगी। तो ये था बस बुलेट के कुछ जो अपडेट फीचर्स आए हैं, और इसमें इसकी साउंड्स, इसकी हर चीज़, इसकी जो लाइट है वो नॉर्मल पहले जैसी दी जाती है, जो पहले बुलेट में आती थी नॉर्मल वही लाइट दी जाती है इसमें। इसमें अब तक LED लाइट्स है टॉप मॉडल में दी जाती है, स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं दी जाती। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को लगता है डिक्की है, लेकिन ये डिक्की नहीं दी जाती है, ये यहाँ पर फिल्टर होता है जो यहाँ से निकाल के आप बड़े आसानी से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ लिखा है नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल, इन्होंने अब ऐसा चेंज किया है इसको कि अब ये पोल्यूशन नहीं करेगा। चलो फ्रेंड, हम इसको अब चला के दिखा देते हैं आपको, उसकी राइड दिखाते हैं कि कैसी इसकी कंफर्टेबल कितनी है, और ये कितना साउंड क्लियर करता है चलते हुए, और कितनी मतलब वाइब्रेशन आती है इसमें, तो चेक करते हैं। चलिए फिर फ्रेंड्स, देखिए कितना कम्फर्टेबल जो है ये चल रहा है, इसके सॉकेट्स भी काफ़ी बेहतरीन है, जो हमें काफ़ी आरामदायक देते हैं, काफ़ी स्मूथली जो है चलता है ये। देखते हैं कभी इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, बड़ा इंजन को लेकर के कोई वाइब्रेशन नहीं आती इसमें, कोई कुछ नहीं आता है, बढ़िया चलता है। ओके है,
ये था हमारे कुछ फीचर्स और जो आपको चीज़ें बताई। चलो आपको दिखा दीजिए, अगर सब फीचर्स के बारे में बता दिया इसके क्या नए फीचर्स आए हैं, इसमें कैसे चलती है, इसकी कैसी साउंड है, और एक ऐसा इसकी राइड भी करके दिखा दी आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही हम मेरे को सपोर्ट करते रहो तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऐसी वीडियो को लेके आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।